आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी ने प्रदेश की राजनीति के पुराने सभी समीकरण ध्वस्त करते हुए इतिहास रच दिया है और प्रचंड जीत के साथ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने दोबारा सूबे में सरकार बनाने में कामयाब रही। और इसी बीच अब बड़े चेहरों के बयान भी सामने आ रहे हैं, लगातार बयानबाजी हो रही है और जो हार है उसका ठीकरा किसी न किसी पर फोड़ा जा रहा है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल जो कि बीजेपी से हैं और साथ ही नितिन गडकरी, इन दोनों का बयान सामने आया है जो बीजेपी से, विपक्ष के तौर पे भी कई लोगों के बयान सामने आए हैं जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से हैं और साथ ही संजय राउत जो कि शिवसेना नेता है उनका भी बयान सामने आया है। सभी के बयान सुनाते हैं आपको। ये एक साझा प्रयास था अपना दल भाजपा और निषाद पार्टी का और एक साझी सफलता है और बहुत ही ज़बरदस्त सफलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की दूसरी बार वापसी हुई है, एक और अवसर मिला है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और आम मतदाता के कल्याण के लिए कुछ काम करने का, उनकी सेवा करने का। और हम पहले से भी बेहतर काम करेंगे क्योंकि इस दूसरे मैंडेट के साथ हमारे ऊपर अब और भी ज़्यादा अपेक्षाओं का भार है और भी ज़्यादा हमसे उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी को ये जो अभूतपूर्व सफलता मिली है ये निश्चित रूप से चारों ही राज्यों में और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम करके दिखाया है, एक प्रकार से जनता ने इस कार्य को अपना समर्थन इस विजय के द्वारा दिया है। मेरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत बने, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बने, इसी के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। जनता ने दिए हुए इस विश्वास के साथ निश्चित रूप से इन राज्यों का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा और निश्चित रूप से गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके एक सामर्थ्यशाली आत्मनिर्भर भारत निश्चित रूप से निर्माण होने में हम सफल होंगे। मैं फिर से एक बार पांचों राज्यों में जनता ने जो हमको सहयोग दिया है उस जनता के प्रति ऋण व्यक्त करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश तो उनका ही राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें बहुत बढ़ गई है, 42 से 125 के ऊपर चली गई, 3 गुना बढ़ गई। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओबीसी का भी है तो उनको पद्म विभूषण भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। लेकिन हम लोग खुश है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हार जीत होती है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई है, उसे हमें दुख होने का कोई कारण नहीं है। आपके खुशी में हम भी शामिल हैं। वो स्वाभाविक रूप से अगर मैं चुनाव जीता होता तो वो आज लागू हो गया होता, नहीं जीत पा रहा हूँ। इसलिए वो जो भी मैंने सेंटेंस बोला था उस पर सवाल तो खड़ा होगा, हमेशा बड़ा तो न्योला ही होता है। ये बात दिगर है कि नाग और सांप दोनों मिलकर के नेवले को जीतने नहीं दिए। तो आपने सुना किस तरह से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और नितिन गडकरी ने अपने मुद्दों को, जो विकास के मुद्दे हैं और बाकी चीजें हैं, उनको श्रेय दिया है। पीएम और सीएम के चेहरे को श्रेय देते हुए नजर आए हैं और अच्छे नेतृत्व की बात करी है। तो वहीं विपक्ष के तौर पर शिवसेना की तरफ से जिस तरह से संजय राउत ने कहा कि इसमें जो जीत हुई है बीजेपी की उसमें कहीं ना कहीं बीएसपी यानी मायावती और ओवैसी का योगदान है, दोनों का योगदान बताते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सपा की भी सीट बढ़ी है और इसमें बीजेपी जिस तरह से जीती है तो कहीं ना कहीं उन्होंने श्रेय सपा, बसपा सभी को देते हुए नजर आए, विपक्ष को देते हुए नजर आए हैं। तो वहीं जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर मैं जीतता तो पार्टी भी जीतती, अपने बयानों के ऊपर सफाई देते हुए नजर आए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।